आइए 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 बैठिए। नमस्कार। नमस्ते कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, आप अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बेटे ने और सही ने मिलकर बहुत से घायल पुलिस वालों की जान बचाई है। मैं हॉस्पिटल से सीधा यहीं आ रहा हूँ विराट। सब खतरे से बाहर हैं। ये सब कुछ तुम्हारे और सही की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरी टीम की मदद करना मेरा फर्ज है। और तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह निभाया है, और सही ने भी। विराट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अकेले में। खास बात है, कर सकता हूँ? जी आइए। सर, आप इतने दिनों के बाद घर आए तो चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। ठीक है, कॉफी ले लूंगा। चलिए सर। कहिए सर। विराट, आज तुमने और सही ने मिलकर बहुत से लोगों की जान बचाई है। विराट, मुझे कहना पड़ेगा, तुम और सही एक अच्छी टीम हो। और फिर सही ने तुम्हारे बेटे का भी तो कितने अच्छे से इलाज किया है। आज विनायक बिना ब्रेसिस के चलता है और बाकी बच्चों की तरह भाग दौड़ भी सकता है। राज, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में उसने सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाला। बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सोच रहा था कि सही इतनी अच्छी डॉक्टर है, तो क्यों ना उसे अपने पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए डॉक्टर शामिल कर लें। क्या कहते हो, क्या तुम सही के साथ काम करने के लिए तैयार हो एज ए कलीग? फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, आफ्टर ऑल यू आर डिप्टी कमिश्नर। आप चाहते हैं कि मैं सही के साथ काम करूं? सही और विराट एक साथ काम करेंगे? सब कुछ जानते हैं आप सर, सही और मेरा एक अतीत रहा है, फिर भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अतीत का हिस्सा रहा हूँ और तुम दोनों को काफी समय से जानता हूँ। और ये भी समझता हूँ कि ये तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए सही से भी मैंने इस बारे में पूछा। आप मुझे विराट के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या तुम ये करोगी? क्या जवाब दिया उसने? उसने क्या जवाब दिया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा तुम्हारा क्या जवाब है। क्या तुम सही के साथ काम करने के लिए तैयार हो? सही, इस बार हमने घर का डिपॉजिट भी नहीं दिया, महीना खत्म होने आ रहा है, भाड़ा भी तो देना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी पैसे बचे थे वो तो सब तूने स्कूल के फीस में ही लगा दिए। तो आप ये कहना चाह रही हो कि मैं इस जॉब के लिए हाँ कर दूँ उस आदमी के साथ जो मेरी जिंदगी में हर चीज में दखल दे रहा है? सही, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं, और अगर तुझे विराट जी के साथ काम नहीं करना है ना, तो मत कर। नहीं सर, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन यही मेरा फैसला है। एक बार फिर सोच लो विराट। सर, सोच के ही बोल रहा हूँ। सही ने भी यही जवाब दिया था। मतलब वो भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सही, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। आज रात इस बारे में आराम से विचार करना, और कल सुबह आकर मुझे ऑफिस में अपना फैसला बताना। इसमें विचार करने वाली कोई बात नहीं है सर, मेरा यही फैसला है और यही रहेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात को ध्यान में रखना कि आज विराट और तुमने मिलके जिन जख्मी पुलिस वालों का इलाज किया है, आज अगर वो जिंदा है तो तुम दोनों की मेहनत की वजह से। देखो विराट, मैं तुम्हें भी फिर से यही समझाना चाहूंगा
कि तुम और सई एक बहुत अच्छी टीम हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच उलझने बहुत गहरी हैं, लेकिन तुम दोनों अगर साथ आ जाओ तो पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत फायदा होगा। तुम अपने निजी जिंदगी के बारे में ना सोचकर पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर फैसला लो। आज रात भर का समय लो, ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना और ऑफिस में आकर मुझे अपना फैसला बताना। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम और सई एक बहुत अच्छी टीम हो। तुम अपने निजी जिंदगी के बारे में ना सोचकर पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर फैसला लो। सर, अब विराट सर है जी। आप? सर, मैं हेड कांस्टेबल मोहिते की बेटी रूपा हूँ। आपके लिए जी, उन्होंने बताया था आपके बारे में। सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बाबा को बचा लिया। मेरे बाबा के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरी आई भी मुझे बचपन में, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आपके बाबा बहुत हिम्मत वाले हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। लेकिन सर, अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या होता बाबा को। सिर्फ मैंने मदद नहीं की थी। आपके सामने जो ये बैठी हैं, ये भी मेरे साथ थी। दरअसल ये भी एक डॉक्टर हैं और असल में आपके पापा की जान इन्होंने ही बचाई है। मैम, अरे ये आप क्या कर रहे हो? मैम, मेरे पापा मेरी जिंदगी है और आपने उनकी जिंदगी बचाई है। आप मेरे लिए भगवान जैसी हैं। भगवान के तो पैर छूते हैं ना। मैं इंसान हूँ और इंसान को इंसान ही रहने दो।